तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम, कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने साइज की बात की थी, साइज ऑफ एटम, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कई वर्ड्स के मतलब शायद न समझ में आ रहे हो आपको, तो वो हम एक एक करके धीरे धीरे समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे साइज ऑफ एटम की, ठीक है। साइज ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली डिफाइन कैसे होता है साइज ऑफ एटम, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एटम का साइज कहलाएगा या फिर रेडियस ऑफ एटम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे समस्या ये है कि साइज न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस निकाल नहीं सकते हम, समस्या ये है हमारी। तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में हमें पता है तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और वो डिवाइड बाई टू कर देंगे। तो जो डिवाइड, एक मिनट यार, गलती से दब गया मुझसे, कट गया। हाँ जस्ट अ मिनट। हाँ गलती से कट गया है मुझसे। हाँ ओके, तो मैंने कहा था कि दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और उसका डिवाइड बाय टू कर देंगे। और जैसे ही उसका डिवाइड बाय टू करेंगे हमें क्या पता चल जाएगा, साइज पता चल जाएगा, है कि नहीं, आ रही बात समझ में। लेकिन अब यहां पे एक समस्या है, यहां पे मैंने क्लोरीन, जैसे मान लो क्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं अगर क्लोरीन की बात कर रहा हूं तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है। जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इज इट क्लियर। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। आप केमिकल बॉन्डिंग एक टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, तो उसमें आप जानेंगे कि तीन तरह के बॉन्ड, मोस्टली जो बॉन्ड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तीन तरह के बॉन्ड होते हैं बेटा, ठीक है। तो अब सब साइज की बात कर रहे हैं बेटा, तो साइज अब एक रिलेटिव टर्म है, क्यों, क्योंकि अब यहां पे तो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। इसमें आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाया है ना मैंने वो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे ओवरलैपिंग होती है, मेटेलिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग नहीं होती है, मेटेलिक बॉन्ड कुछ ऐसा होता है। समझिएगा जरा, धीरे धीरे समझिएगा, आराम से समझाऊंगा, टेंशन नहीं, दो बार समझाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, आराम से समझने की कोशिश करेंगे जरा हम, ठीक है। क्या होता है, ये है ना, तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अगर मेटेलिक बॉन्ड में निकालें और कोवेलेंट बॉन्ड में निकालें तो अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, बताइएगा जरा। अलग अलग आएगा, तो यहां से अगर इसका डिस्टेंस मान लीजिए डी है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये दिस डिस्टेंस इज डी और यहां से रेडियस बराबर डी बाई टू करें, तो ये रेडियस और ये डिस्टेंस मैं कहूं डी, ये डिस्टेंस कहूं डी और उसके बीच का रेडियस निकालूं डी बाई टू, तो वो रेडियस अलग अलग आएगा। यानी कि कहने का मतलब साइज भी कई तरीके से होंगे, साइज भी
एक तरीके का नहीं होगा, साइज भी बॉन्ड के बेसिस पे होगा, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसका आधा करेंगे तो वहां से जो मिलेगा डिस्टेंस वो होगा क्या, कोवेलेंट रेडियस। जबकि अगर मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है तो मेटेलिक रेडियस मिलेगा, आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा मिलेगा, आयनिक रेडियस मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आपसे ये समझाना चाहता हूं कि रेडियस भी एक कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है, रेडियस भी कई तरीके का हो सकता है, या फिर एटम का साइज भी कई तरीके का हो सकता है, एटम का साइज भी कई तरीके का हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम मॉलिक्यूल के बीच में देख रहे हैं, तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो दो न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो ओवरलैप कर जाते हैं तो वो डिस्टेंस कम आएगा। अगर मेटल की बात करें तो मेटल में वो डिस्टेंस ज्यादा आएगा, एक और रेडियस, आयनिक में थोड़ा सा अलग ही होगा कहानी, और एक और रेडियस आता है, यहाँ एक और तरह का रेडियस डिफाइन करते हैं, वॉन डर वॉल रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हम कब निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम, तो हीलियम में कोई बॉन्ड नहीं बनता है बेटा, हीलियम में कुछ कहानी इस तरह की होती है, बॉन्ड नहीं बनता है, हीलियम नोबल गैस है ना, तो वो बॉन्ड नहीं बनाता है और अट्रैक्शन भी काफी कम होता है, तो दो न्यूक्लियस, दो हीलियम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, ये डिस्टेंस ये आएगा कुछ, तो यहां से रेडियस निकालेंगे तो वो बिल्कुल अलग ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताइएगा जरा। तो कहने का मतलब रेडियस भी ड्रॉ की है, वो किसकी है, वो जैसे हीलियम है बेटा, हीलियम का है, हीलियम नहीं, नहीं, वो ये ऊपर की फिगर, वो कोवेलेंट बॉन्ड की, वो मेटेलिक बॉन्ड की है या आयोनिक बॉन्ड की, ये वाला जो अभी दिखा रहा हूं मैं, ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला मेटेलिक का है बेटा, ये वाला मेटेलिक का है, ये मैंने बताया ये मेटेलिक का है, ये मेटेलिक है। आयनिक का बताऊंगा, आयनिक का बिल्कुल अलग कहानी हो जाती है, आयनिक की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है, तो आयनिक के केस में अलग तरीके से हम बात करेंगे, अलग तरीके से बात करेंगे। ये कोवेलेंट का है और ये वॉन डर वॉल रेडियस होगा, दिस इज नोन एज वॉन डर वॉल रेडियस। बताइएगा समझ में आ रही है बात, ठीक है? तो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं मैं कि रेडियस भी कई तरीके का होगा, समझ रहा है बात को, रेडियस भी कई तरीके का होगा, क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप, वो डिस्टेंस अलग अलग तरीके का, अलग अलग बॉन्डिंग में अलग अलग डिस्टेंस आएगा, और अगर अलग अलग डिस्टेंस आएगा, हाँ, वो डिस्टेंस अलग अलग आएगा, डिस्टेंस अलग अलग आएगा तो रेडियस भी अलग तरीके का होगा, तो इस हिसाब से चार तरह के रेडियस बनेंगे बेटा, एक होगा आयनिक बॉन्ड में आयनिक रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा तो मेटेलिक रेडियस, वॉन डर वॉल बनेगा तो वॉन डर वॉल रेडियस, होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा समझ में आ रही है बात, तो बेसिकली मैं अभी तक इतना बताना चाहता हूं कि रेडियस भी कई तरीके के होंगे, चार तरीके के होंगे, एक कोवेलेंट रेडियस, एक वॉन डर वॉल रेडियस, एक मेटेलिक रेडियस और एक आयनिक रेडियस, बताइएगा समझ में आई बात, अच्छा ओके। अब हमने यहां से तो टाइप ऑफ रेडियस की बात की, डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड, रेडियस सिर्फ नोबल गैसेस के लिए होती है क्या, नोबल गैसेस के लिए होगा बिल्कुल, वॉन डर वॉल रेडियस का इस्तेमाल हम नोबल गैसेस के लिए करेंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है बेटा, क्लियर है सर। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यूनिट कौन सा है सर, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यूनिट कौन सा है, डिस्टेंस है बेटा, रेडियस का डिस्टेंस यूनिट है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, पिकोमीटर होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, नैनोमीटर होगा, एटम है बहुत छोटे होते हैं तो नैनोमीटर में जनरली कैलकुलेट करते हैं हम, या एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं,
सर मेटेलिक बॉन्ड मतलब क्या? दो मेटल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाते हैं। नॉन मेटल, सर आयन, समझिएगा जरा, समझ लीजिएगा इस बात को, आपने अच्छा किया पूछ लिया। मेरा काम नहीं कर रहा है। तो देखिएगा, एक बात जानिएगा, मेटल और मेटल के बीच में कभी भी जो बॉन्ड बनता है, मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। सर हाँ सर, वैंडरवाल रेडियस क्या है? बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है तो उसके बीच का रेडियस, वहां से रेडियस निकालेंगे तो मेटेलिक रेडियस होगा। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ बॉन्ड बना है तो आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको हम कहते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। बिल्कुल। और दूसरा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इस बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे बनता है ये बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्डिंग अगला चैप्टर पढ़ेंगे आप, वहां पे सीखेंगे। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक एक ये दे रहा हूँ। अच्छा, चौथा एक क्या बताऊं, कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना? बिल्कुल, कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, आयनिक बॉन्ड में गिव एंड टेक होता है, मेटेलिक बॉन्ड में ना तो शेयरिंग होती है ना तो गिव एंड टेक होता है, बिल्कुल अलग तरीके का होता है। समझाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में जब पढ़ाऊंगा आपको, तब वहां से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चौथे तरीके का जो बॉन्ड होता है बेटा, फोर्थ टाइप का जो बॉन्ड होता है, वांडरवाल कह सकते हैं आप, वांडरवाल फोर्स ऑफ, एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम कहते हैं वांडरवाल। कोई बॉन्ड नहीं है, जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही वीक, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आई बात समझ में। ये एक होता है। और नोबल गैसेस में जैसे हीलियम है तो दो हीलियम के मॉलिक्यूल के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आया? और वहां से अगर डिस्टेंस निकालेंगे दो न्यूक्लियस के बीच का, वहां से अगर दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, डी होगा, और वो जो डी रेडियस वहां से निकलेगा, डी बाई टू करके जो रेडियस निकालेंगे वो रेडियस कहलाएगा आपका वांडरवाल रेडियस। समझ में आई बात बेटा? कोई पूछ रहा था मुझसे, ठीक है? यस सर, क्लियर सर, यस क्लियर सर, क्लियर सर, मेटलाइट में कौन, मेटलॉइड में बेटा यही वाले बॉन्ड होते हैं, नॉन मेटल वाले, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मेटलॉइड जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ही शो करते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट और थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्ड का भी कैरेक्टर होता है, लेकिन आप उसको कोवेलेंट बॉन्ड मान सकते हैं, ठीक है बेटा? उनका एग्जांपल को किसका, मेटेलिक बॉन्ड का एग्जांपल आयरन आयरन के बीच में जो बॉन्ड होगा बेटा, आयरन और आयरन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। और कैसे होंगे, जस्ट टच करते हैं बेटा, मेटेलिक बॉन्ड में एग्जैक्ट टच करते हैं, समझ रहे हैं ना, मेटेलिक बॉन्ड में एग्जैक्ट टच, अगर दो अलग अलग एलिमेंट हो तभी भी टच करते हैं बेटा, बिल्कुल टच करते हैं, वो अलग अलग हो तभी भी टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, दूर दूर नहीं होंगे, एग्जैक्ट टच करते हैं। इज इट क्लियर सर? Sir, can you explain Wonderwall once again, please? क्या बेटा? Sir, can you explain Wonderwall once again, please? Wonderwall बेटा एक सर Wonderwall फोर्स ग्रेफाइट में होता है ना, जिसके वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। वो ग्रेफाइट की लेयर के बीच में होता है, बहुत सही कह रहे हैं बेटा।
वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। दो गैसेस के बीच में, जनरली दो गैसेस के बीच में ये फोर्स लगता है, जैसे दो नोबल गैसेस हैं हीलियम हीलियम के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, वो हम तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में, केमिकल बॉन्डिंग में हर तरह की बातें करेंगे, जितने तरह की बॉन्डिंग होती है, जितने तरह की चीजें होती हैं, वो सारी बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, लेकिन बस इतना जानिए कि बहुत ही एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसको हम वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई रेडियस की, ये तो बात हो गई रेडियस की, कितने तरह का रेडियस होता है, ओके। लेकिन रेडियस कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है? जनरली क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो रेडियस जो होता है बेटा, रेडियस वो डिक्रीज होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे चलेंगे तो रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, ओके। लेकिन ये ट्रेंड ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा, ये ट्रेंड ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए, ये ट्रेंड ऐसा क्यों है, ऊपर से नीचे चलने पे रेडियस घटता क्यों है, लेफ्ट टू राइट चलने पे रेडियस बढ़ता क्यों है, अगर हमें ये समझना है तो इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करनी होगी, और वो टर्म जो होता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि रेडियस को हमें अगर और समझना है, रेडियस के बारे में और डिटेल में अगर हमें जानना है, तो हमें एक टर्म समझना होगा जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इज इट क्लियर? बोलिएगा सर। यस सर। यहां तक पहले मैं आपको, यस सर, यस सर, यहां तक मैं एक बार रिवीजन करा दूं और फिर से मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस सर। तो एक बार फिर देख लीजिए, हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल सकते हैं, ये हमने निकाला था, ये आप जानते भी हैं, इसके बारे में खूब प्रैक्टिस की थी आपने। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अच्छा, इस चैप्टर में एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में जो बेरी, जो कि हिस्ट्री वाला पार्ट है, इस चैप्टर का हिस्टोरिकल पार्ट है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, मैं उस पार्ट को मैं लास्ट में लूंगा। समझ रहे हैं बात को? जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो समझाने वाली बातें हैं, वो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। जो हिस्टोरिकल पार्ट है इस चैप्टर का, ये चैप्टर भी दो पार्ट में है, एक हिस्टोरिकल पार्ट है कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई, और दूसरी चीज एक्चुअल में क्या है, अब क्या है। तो जो अब क्या है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, हिस्टोरिकल पार्ट वो मैं अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, हिस्टोरिकल पार्ट को मैं फिलहाल अभी स्किप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ पहले आप कॉन्सेप्ट समझ जाए, फिर हिस्ट्री तो समझते रहेंगे, हिस्ट्री तो आराम से समझ जाएंगे, पहले एक बार मेन बातें समझ जाए तो हिस्ट्री तो आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात की, क्या होती है प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक जो टेबल बनाया गया है एलिमेंट्स का, इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें जो होता है साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, एसिड बेस बिहेवियर, छह प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है साइज ऑफ एटम, उसके बारे में हम समझते हैं। तो साइज ऑफ एटम कैसे डिफाइन करेंगे आप, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द साइज ऑफ एटम। Distance between nucleus and outermost electron is known as radius of atom or size of atom. लेकिन अब इस definition में एक समस्या है, इस definition को practically निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें समस्या है बेटा। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है वो तो बता ही नहीं सकते हैं, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि उसकी पोजिशन बताना मुश्किल है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस नहीं बताते हैं। अब क्या करेंगे, अगर आप फिर रेडियस निकालना है तो अब फिर मॉलिक्यूल ले लेते हैं आप, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में दो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है, उस मॉलिक्यूल को ले लेते हैं और दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं,
उसका आधा कर देते हैं और आप कह देते हैं दैट इज द रेडियस ऑफ क्लोरीन। लेकिन अगर इस तरह से कहें तो अब कोवेलेंट ही क्यों भाई, मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है, ये मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, इवन वैन डर वाल रेडियस भी है और इवन आयनिक बॉन्ड भी है। तो हर बॉन्ड के लिए अलग अलग रेडियस आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं आप, इसलिए चार तरह के रेडियस एग्जिस्ट करेंगे। आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे आयनिक रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड अगर कोई मॉलिक्यूल बना रहा है उसमें जो रेडियस निकालेंगे उसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो आयनिक बॉन्ड से आयनिक रेडियस मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट रेडियस मिलेगा, मेटेलिक बॉन्ड से मेटेलिक रेडियस मिलेगा, और चौथा भी एक आएगा मेटेलिक रेडियस। ये कोई बॉन्ड नहीं, बॉन्ड नहीं होता, एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वहां से एक चौथा रेडियस आता है जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। इज इट क्लियर? हाँ बेटा बोलिए, कुछ कह रहे हैं। कौन सी रेडियस ज्यादा एक्यूरेट होगी आप बताइए, कौन सी रेडियस ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कौन सी, इन तीनों में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दो तो सबसे ज्यादा वंडरवॉल आएगा, उसके बाद मेटेलिक आएगा, उसके बाद कोवेलेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक्यूरेट कौन सी होगी? एक्यूरेट तो बेटा अब आप देखिएगा, अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो मेटेलिक रेडियस बनाएगा नहीं, वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर ज्यादातर आयनिक बॉन्ड बना सकता है। तो एक्यूरेट की यहां पे बात ही नहीं है, यहां पे बात यह है कि किस रेडियस की आप बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? एक्यूरेट तो शायद कोई भी ना हो, एक्यूरेट तो शायद कोई भी ना हो, लेकिन बात एक्यूरेसी की नहीं है यहां पे। अब बात ये रह गई है कि कौन से रेडियस की बात आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, किस रेडियस की बात आप कर रहे हैं उसकी बात होगी। अब यहाँ पे अब एक्यूरेसी की बात ही नहीं है, सब सही है, कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे वो भी सही है, मेटेलिक रेडियस निकालेंगे वो भी सही है, वैन डर वाल रेडियस निकालेंगे वो भी सही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ओके। तो मैंने फिर आपको ये बताया कि अच्छा मेटेलिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है, तो मेटल मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और एक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है जो कि गैसेस में होते हैं, ये गैसेस में काम करता है, ठीक है। तो यहां तक बात बताई मैंने, ये चार तरह के रेडियस मैंने बताया एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने ये कहा कि अब अगर रेडियस को आपको डिटेल में समझना है तो आपको एक टर्म जानना पड़ेगा और उस टर्म को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं रेडियस को समझने के लिए, जो हमारा अगला टॉपिक होगा दैट वुड बी एंड दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसको शॉर्ट फॉर्म में जेड इफेक्टिव कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जेड इफेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसको अब हमें समझना है बेटा कि ये क्या होता है, क्योंकि इसको अगर समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे किसके बारे में, रेडियस के बारे में, ठीक है, तभी रेडियस को और आप गहराई से समझ पाएंगे। तो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, उसी के अंदर है, रेडियस के अंदर है, एंड दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है जरा देखते हैं, ये बताइए तो मैं कंडीशन लेता हूं, ये एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा सिस्टम लेता हूं मैं जहां पे एक न्यूक्लियस है और चार पांच इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स नजदीक हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी दूरी पे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और दूरी पे हैं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, है ना? यस सर, यस पॉसिबिलिटी है, ये है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है। अब समझिएगा जरा पहली वाली कंडीशन को, जरा समझिएगा,
ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, करेगा करेगा। ओके, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इसके बीच में, आपको पता है? न्यूक्लियस न्यूक्लियर नहीं कहेंगे, न्यूक्लियर नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, ध्यान दीजिएगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बीच में जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने? हाँ सर। फोर्स कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने के लिए? gmem by r square। बिल्कुल, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है? यस। इस फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कुछ ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं? तो f बराबर होता है k कुछ कांस्टेंट, जैसे यहां पे g कांस्टेंट है, यहां भी k कांस्टेंट होता है और वैल्यू होती है q1 q2 by r square। यहां पे m1 m2 क्या है? दोनों बॉडी के बीच का मास, दोनों का मास, m1 m2 और r क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहां पे q1 q2 क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है? यहाँ पे Q1 Q2 किसके बराबर होता है? चार्ज के बराबर होता है। और R क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R होता है यहाँ पे। यानी कि जो फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अप्लाई करते हैं एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्मूला दो चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके लिए भी हम अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? बस मास की जगह क्या बदल जाता है? चार्ज हो जाता है, R वही रहता है, g की वैल्यू बदल जाती है, वहां पे g की वैल्यू क्या होती है? क्या कह रहे हैं मैडम? यहाँ के कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के? g की वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है? 6.67 × 10⁻¹⁹ ठीक है। k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹⁹, ठीक है? k की वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁻¹⁹, ठीक है? खैर हमें उस k से मतलब नहीं है, इस k के बारे में हमें नहीं समझना है, हमें बस ये जानना है कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उनके डिस्टेंस से स्क्वायर के, उसके बराबर होता है, ठीक है? अरेवा जोन में क्लियर है? अब सीधी सी बात है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताएगा कोई? 1e-। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के बराबर होता है, और इस चार्ज को हम e से डिनोट करते हैं, e से, e माइनस नहीं, e से डिनोट करते हैं, ठीक है? चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, सेम, और उसको भी हम e से ही डिनोट करते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है? क्लियर है? यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो e होता है और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो भी e के बराबर ही होता है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि एक नेगेटिव में होता है और दूसरा वाला पॉजिटिव में होता है। बताइए, समझ में आई बात? क्लियर सर? यस सर। थैंक
ये चीज हमेशा। अच्छा आपको कुछ बातें और मैं बताऊं, आपने एटॉमिक नंबर के बारे में सुना होगा, एटॉमिक नंबर। यस सर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? यस सर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? The total number of proton and neutron. Protons and neutron. Total number of proton and neutron. Total number of protons and neutron. नहीं 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 बेटा, atomic number. Atomic mass होता है वो. Proton होता है. Mass number होता है वो, जो आप जो बोल रहे हैं ना. Mass number proton. Mass number. एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए. Atomic number. न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, और प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को पी प्लस से डिनोट करते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इन न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं मास नंबर। समझ में आई बात? यस सर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए से, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपने 9th-10th में तो कम से कम इतना पढ़ा होगा, 9th-10th में एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। तो ये बताइए कौन सी न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? उसके एटॉमिक नंबर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने जेड के बराबर बताइएगा, जेड के बराबर है कि नहीं? जेड के बराबर। भाई एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इन न्यूक्लियस, है कि नहीं? और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, अगर मैं कहूं चार्ज ऑन न्यूक्लियस किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जेड के बराबर। यस यस। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जेड के बराबर होगा, ई के बराबर जेड। बिल्कुल। तो अगर मैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने की कोशिश करूं, फॉर्मूला बताऊं, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? एफ बराबर के Q1 ZE के बराबर होगा और Q2 E के बराबर होगा डिवाइड बाई R स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? यानी कि F बराबर आ जाएगा K Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बताइएगा क्या होगा? क्लियर सर। ठीक है, सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार न्यूक्लियस रिपीट। सर तो इसमें से कौन सा यूज करने का है? क्या क्या बेटा? इन दो फॉर्मूले में से एक एग्जाम को कौन सा यूज करने का है? एग्जाम तो ठीक है बेटा, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आएगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, समझने वाली बात है। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं आएगा, हर चीज को एग्जाम से जरूरी नहीं है पढ़ना, समझने की बात है यहाँ बेटा, समझ रहे हैं? तो समझने के लिए ये जानिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, मतलब एग्जाम में डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझिएगा, फोर्स का फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा दो मास है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा है, और वो फॉर्मूला पढ़ा होता है एफ बराबर जी M1 M2 by R स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ऐसे ही दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है। अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन काम करेगा। तो दो चार्जेस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो के Q1 Q2 by R square के बराबर होती है, जहां पे Q1 क्या है charge on nucleus, Q2 क्या है charge on electron, divide by R square, R क्या है nucleus और electron के बीच का distance, है कि नहीं? बताइएगा, ठीक है? हाँ सर। Is it clear?
अच्छा यहाँ पे फिर मैंने बताया कि जी की वैल्यू किसी ने पूछा, मैंने जी और के की वैल्यू बता दी। फिर मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम होता है चार्ज की यूनिट, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ई से ही डिनोट करते हैं, बस नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है, बस पॉजिटिव में होता है, उसको भी ई से डिनोट करेंगे। उसके बाद मैंने ये कहा एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो जेड होता है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर। हाँ बेटा सर, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ना? नहीं, बेसिकली एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है फॉर अ न्यूट्रल स्पीसीज। लेकिन अगर कोई चार्ज्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, ठीक है? आइसोटोप तो प्रोटॉन अलग अलग होते हैं और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। क्या क्या बेटा फिर से बोलिए? आइसोटोप्स होते हैं ना, उनमें प्रोटॉन अलग अलग होते हैं और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर थोड़ी ना अलग होता है। ऐसा होता है पक्का? हाँ, आइसोटोप्स में तो प्रोटॉन ही अलग होते हैं ना। प्रोटॉन अलग होते हैं आइसोटोप में, ऐसा होता है बेटा? सोच लीजिए। एटॉमिक नंबर सेम होता है बेटा, आइसोटोप का मास नंबर अलग अलग होता है। खैर आइसोटोप की कहानी अलग है, वो कहानी यहाँ पे जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेकिन आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है बेटा। अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा बेटा किसी एटम में, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। समझ रहे हैं बात को भाई? सोडियम, सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सोडियम न्यूट्रल है। लेकिन Na प्लस अगर मैं कहूं तो इसमें प्रोटॉन तो 11 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na प्लस बन गया। अब मैं कहूं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, सोडियम प्लस का एटॉमिक नंबर क्या है, वो भी 11 है। तो इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं, प्रोटॉन नहीं बदलते हैं। प्रोटॉन इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, प्रोटॉन नहीं बदलता है, इसलिए एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन को कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को नहीं कहते, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। बोलिएगा। यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। Na प्लस का एटॉमिक नंबर तो 10 ही होगा ना? यस सर, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन निकल जाने से एटॉमिक नंबर थोड़े बदल जाएगा, एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है बेटा। तो मैंने आपको ये बताया कि एटॉमिक नंबर Z के बराबर होगा और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, अगर न्यूट्रल है तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल हो जाएगा, मैंने ये बताया आपको। तो फिर उसके बाद मैं इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो एफ बराबर के, मैंने कहा न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, Z into E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, E, तो अगर फोर्स में कैलकुलेट करूं तो Q1 की जगह Z ही रख दिया, Q2 की जगह E रख दिया, डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। समझिएगा जरा, समझ में आया? ZE कैसे आया? ZE कैसे आया? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? Z के बराबर है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं वो Z के बराबर होते हैं, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Z into E। क्लियर सर, समझ में आई बात? यानी सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकते हैं, क्या क्या? हाँ बिल्कुल, और क्या बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर अलग अलग नहीं हो सकते। अगर प्रोटॉन बदल गया तो एटॉमिक नंबर भी बदल जाएगा, ठीक है? इज इट क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर। ठीक है, यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। अब ध्यान दीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दो तरह का मैंने सिस्टम लिया था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक और एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
KZe स्क्वायर डिवाइड बाय आवाज नहीं आ रहा है आवाज नहीं आ रहा आ रहा है सर 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 कोई एक बोल दे बस आ रहा है आवाज आ रही है एक बार देख लीजिए रिफ्रेश कीजिए फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए आ जाएगा ठीक है लेकिन लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कहानी थोड़ी बदल जाती है बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक कौन में कहानी बदल जाती है इसी चीज को यहाँ पे जो पढ़ा है हमने उस चीज को मैं एक दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि न्यूक्लियस जो होता है सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से एक नया पिक्चर बनाता हूँ एक नया पिक्चर बनाता हूँ क्योंकि वहां पे काफी हौच पौच हो गया है ये न्यूक्लियस है ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है सर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता क्या 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 बेटा न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है बेटा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है कोई चार्ज नहीं होता है ठीक है ठीक है समझिएगा जरा समझिएगा ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया दिस सिस्टम इज नोन एज सिंगल इलेक्ट्रॉनिक और इस सिस्टम को कहेंगे हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक ठीक है अच्छा इस दोनों सिस्टम को समझने की जरा कोशिश कीजिएगा इन दोनों सिस्टम को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में न्यूक्लियस पे Z के बराबर प्रोटॉन होंगे ठीक है तो जितने प्रोटॉन होंगे प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा कि नहीं अपनी तरफ बताइएगा जरा अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो अपने वो खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा तो अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो खींचने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी होगी कि नहीं है ना कहने का मतलब ये है यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियस जो है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में न्यूक्लियस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जेड प्रोटॉन के फोर्स से अपनी ओर खींचना चाहता है समझ रहे हैं क्योंकि उसके पास जेड प्रोटॉन है ना तो जेड प्रोटॉन पूरा का पूरा जोड़ लगाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के लिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताइएगा लगाएंगे सर लगाएंगे कहने का मतलब मेरा ये है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फिर से ध्यान दीजिएगा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जेड प्रोटॉन के फोर्स से अपनी ओर खींचेगा होगा ठीक है ऐसे समझिएगा फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जेड प्रोटॉन के फोर्स से अपनी ओर खींचेगा क्योंकि उसके पास जेड प्रोटॉन है ना जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा एक छोटा सा बच्चा और एक आप दो लोग किसी चीज को खींच रहे हैं तो आपके पास ज्यादा ताकत है आपके पास एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से खींचेंगे छोटा बच्चा धीरे से खींच पाएगा है कि नहीं ठीक है तो ये कहानी है अब जरा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक केस को समझिएगा जरा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक केस को समझिएगा मैं मान रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस पे भी जेड चार्ज है तो जेड प्रोटॉन के फोर्स से इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा न्यूक्लियस चाहेगा yes. लेकिन yes. लेकिन ये अंदर वाले क्या कर रहे हैं बेटा अंदर वाले कह रहे हैं कि दूर भाग जाओ तुम रिपेल कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन है वो हाँ. दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं इसको कह रहे हैं तुम दूर भगो न्यूक्लियस के पास yes. मत आओ न्यूक्लियस कह रहा है भैया तुम मेरे पास आ जाओ ये कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम दूर भाग जाओ न्यूक्लियस से समझ रहे हैं बात को हाँ सर न्यूक्लियस जेट प्रोटॉन के फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाह रहा था लेकिन क्या अब वो जेड प्रोटॉन का फोर्स लगा पाएगा
नहीं, क्योंकि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस के और उससे जो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन है वो उसको कह रहे हैं भैया तुम दूर भगो, वो आने दे ही नहीं रहे उसको। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिएगा, इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा था अंदर की तरफ, लेकिन इस पे दो तरह के फोर्सेस, एक तो अंदर की तरफ जो न्यूक्लियस लगा रहा है और एक बाहर की तरफ जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स लगा रहा है, दो तरह का फोर्स लगेगा। और दो तरह का अगर फोर्स लगेगा, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, तो न्यूक्लियस उसको Z प्रोटॉन के फोर्स से अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, उसका फोर्स कुछ कम हो जाएगा। मान लीजिए इस न्यूक्लियस के पास 10 प्रोटॉन थे, यहां भी 10 प्रोटॉन थे, यहां भी 10 प्रोटॉन थे, तो यहां पे जो न्यूक्लियस था 10 प्रोटॉन के फोर्स से इसको खींच पा रहा था, यहां का न्यूक्लियस 10 प्रोटॉन के फोर्स से इसको नहीं खींचेगा, कुछ कम से खींचेगा, 10 से कुछ कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 होगा, लेकिन 10 नहीं होगा, क्योंकि कुछ फोर्स उसका रिपल्सन को हटाने में चला जा रहा है। आप अपने बगल वाले दोस्त से कोई पेन खींच रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं आप, वो भी अपनी तरफ खींच रहा है, वो भी कुछ फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए 3 न्यूटन का, तो क्या आप ओवरऑल 10 न्यूटन का फोर्स लगा पाएंगे? नहीं, 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, नेट जो फोर्स आप लगा पाएंगे वो 7 का फोर्स लगा पाएंगे, 7 न्यूटन का। बताइएगा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई, तो सारी कहानी क्लियर है। अब मैं आता हूँ दूसरे, क्या बेटा, क्या बेटा, फिर से बोलिए। और एक बार रिपीट करो, रिपीट करो, ठीक है, एक बार रिपीट करो, लेकिन पहले इनका डाउट ले लूं, क्या कह रहा है बेटा सर, और एक बार रिपीट करो। अच्छा, रिपीट करने के लिए, ठीक है, रिपीट करने के लिए कह देता हूं, रिपीट करो सर, रिपीट करो। ओके ओके ओके, दो केसेस हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक वाला केस है और एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का केस है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के केस में एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जितना फोर्स जितना रहेगा उसके पास दम, जितनी ताकत होगी, जितने प्रोटॉन होंगे, वो पूरे प्रोटॉन के फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, खींच सकता है कि नहीं? हाँ सर, यस सर। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कहानी बदल गई है। कहानी क्यों बदल गई है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की कहानी इसलिए बदली है क्योंकि यहां पे अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए मैंने यहां पे माना था 10 प्रोटॉन, यहां भी मैं मान लेता हूं 10 प्रोटॉन है, यहां भी 10 प्रोटॉन है, तो ये न्यूक्लियस भी चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन के फोर्स से अपनी ओर खींचे, चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है, लेकिन yes. वो ये फोर्स लगा नहीं पाता है, 10 प्रोटॉन का फोर्स लगा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहते हैं भैया तुम दूर भग जाओ, रिपल्सन होगा ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो और न्यूक्लियस के पास में है वो उस इलेक्ट्रॉन को और बाहर ढकेलेंगे कि नहीं ढकेलेंगे? अंदर आने देंगे क्या? नो सर, अंदर आने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि यार तुम दूर भग जाओ, वो कह रहे हैं कि तुम दूर भग जाओ इस न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस से तुम दूर भग जाओ, इस न्यूक्लियस से कह रहे हैं कि तुम दूर हट जाओ, पास मत आओ इस न्यूक्लियस के, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक न्यूक्लियस की तरफ जो न्यूक्लियस लगा रहा है, और एक न्यूक्लियस से दूर जो कि ये बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं, दूरी दूर लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है तो नेट जो न्यूक्लियस है
10 प्रोटॉन का फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा, 10 प्रोटॉन से कम का फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, 10 प्रोटॉन से कुछ कम का फोर्स लगेगा। यस सर, क्लियर। हां सर, ठीक है, क्लियर सर, क्लियर क्लियर। 8 हो जाएगा, क्लियर सर, हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, लेकिन 10 सर कम हो जाएगा। क्लियर सर। तो मल्टी, अब समझिएगा, अब सुन लीजिएगा, बस एक स्टेटमेंट सुन लीजिए, बस उसके बाद क्लास खत्म करता हूं, एंड करता हूं लास्ट। क्या कहना चाहता हूं, न्यूक्लियस मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली जितने प्रोटॉन के फोर्स से खींच पाता है, फिर से सुनिएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली जितने प्रोटॉन के फोर्स से खींच पाता है उसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इज इट क्लियर? यस सर। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे ही ले चार्ज कम हो जाए। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसी के बारे में हम कल और डिटेल में समझेंगे, आई थिंक टाइम हो गया है आज का आप लोगों का, तो इसी बात को अब हम कल एक बार रिवाइज करेंगे और फिर से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सो मच, बाय सर।